राशि कार्य क्षेत्र में आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। नियत समय से ज्यादा समय तक कार्य करना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आज आपको एक से ज्यादा लाभदायक व्यवसायिक अवसर मिलेंगे। इसका लाभ उठाने के लिए आपको ज्यादा समय तक कार्य करना पड़ सकता है। दिन के प्रारंभिक दौर में वातावरण प्रतिकूल रह सकता है। आसपास के लोगों के द्वारा आपकी आशा के अनुसार व्यवहार और सहयोग ना होने की वजह से आपके महत्वपूर्ण कार्य में विलंब हो सकता है। महत्वपूर्ण फैसले लेने में आपको दुविधा हो सकती है। दिन के मध्य भाग के बाद परिस्थितियां बदलने लगेंगी। वातावरण सकारात्मक रहेगा। आपके द्वारा लिए गए फैसले सही साबित होंगे। आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश के लिए दिन अनुकूल है। आज निवेश करने से आपको धन लाभ हो सकता है। जिम्मेदारी के साथ ही आर्थिक जोखिम उठाएं। पारिवारिक जीवन अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। आपके कुछ नजदीकी पारिवारिक सदस्य आपसे असंतुष्ट या नाराज रह सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कुछ परेशानियां संभव है। दिन के आखिरी दौर में आपको कमर दर्द या पैर से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्या हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन सभी तरह से लाभदायी रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। आत्मविश्वास और उत्साह में वृद्धि होगी। सब विद्यार्थियों के साथ भी पुराना मनमुटाव समाप्त होगा। शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों के प्रतिभा की सराहना होगी। महिला वर्ग के लिए दिन सभी तरह से अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। नौकरी व्यवसाय में सक्रिय महिलाओं की जिम्मेदारी आज बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही आमदनी में वृद्धि के भी बहुत अच्छे सहयोग बने हुए हैं। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए दिन मिश्रित साबित होगा। दिन के शुरुआती दौर में बुजुर्ग व्यक्ति तनावग्रस्त रह सकते हैं। नजदीकी लोगों का संपर्क ना होने के कारण तनाव और व्यग्रता रह सकती है। दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। दिन के अंतिम दौर में आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन